बच्चा जब करीब 1 साल का होता है तो वो चलने लगता है, और जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है जो उसके माइलस्टोन होते हैं वो पूरे करता रहता है। अगर नॉर्मल उसका डेवलपमेंट होता है तो इस तरह की उसकी कंडीशन रहती है कि वो चलने पहले खड़ा होगा, खड़ा होना सीखेगा, उसके बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चलना सीखेगा। पहले सपोर्ट लेके चलेगा, उसके बाद वो बिना सपोर्ट के चलेगा, और फिर अच्छी तरह से वो जब 1-1.5 साल का बच्चा हो जाता है तो वो चलने लगता है, भागने लगता है, दौड़ने लगता है। लेकिन अगर बच्चा 3 साल 4 साल के बाद अगर उसमें इस तरह की कंडीशन देखी जाती है कि जो बच्चा सही से चल रहा था, सही से भाग रहा था, दौड़ रहा था, जीना ऊपर नीचे चढ़ रहा था, और जो उसकी डेली एक्टिविटीज़ हैं वो बिल्कुल ठीक नॉर्मल कंडीशन से कर रहा था, नॉर्मल तरह से कर रहा था, लेकिन अब उसको थोड़ा थोड़ा जो है प्रॉब्लम होने लगा है, उसको बैठ के उठने में प्रॉब्लम हो रहा है। जब बच्चा ज़मीन पे बैठ जाता है तो वो जो है उठ नहीं पा रहा है, या सपोर्ट लेना पड़ रही है उसको, या तो उसको घुटने पे हाथ लगा के उठना पड़ रहा या ज़मीन पे हाथ लगा के उठना पड़ रहा। अगर वो जीना चढ़ रहा है तो उसमें उसको ज़्यादा ताकत लगाने की ज़रूरत पड़ रही है, कहीं ऊंचा नीचा है तो वहाँ पर चलते हुए वो गिर जा रहा है, या कभी कभी भागते हुए वो गिर जा रहा है, ज़रा सा भी अगर उसको हल्का सा भी झटका लगता है तो वो गिर जाता है। और बच्चा जो है दिन ब दिन उसकी कंडीशन जो है ख़राब होती चली जा रही है, वीकनेस उसको बहुत ज़्यादा होती जा रही है, मसल्स उसकी जो हैं सिकुड़ रही हैं, और बच्चा जो है या तो पंजे पे चल रहा है, और उसकी जो काफ मसल्स हैं, जो पीछे पिंडली की जो मसल्स होती हैं वो हार्ड होने लगी हैं। तो इस तरह की अगर कंडीशन बच्चे में देखी जाती है तो ये सभी सिम्टम्स होते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, DMD, ड्यूशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। जो बच्चा 2-3 साल तक बिल्कुल नॉर्मल था, उसके अंदर किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके बाद अचानक से उसको वीकनेस होने लगी, मसल्स उसकी कमज़ोर होने लगी, और बच्चे को तरह तरह की प्रॉब्लम होने लगी। अब ये जो है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जैसे कि हम सबको पता है ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम है, ये जो जीन्स होते हैं उसके अंदर किसी भी तरह का अगर म्यूटेशन होता है, किसी भी तरह के अगर चेंजेस होते हैं तो ये प्रॉब्लम जो है होती है, और ये जनरेशन टू जनरेशन पास भी होती है। लेकिन कुछ कंडीशन में क्या होता है, अगर किसी फैमिली हिस्ट्री में किसी को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नहीं है तब भी इसके होने के चांस रहते हैं, क्योंकि म्यूटेशन जो है जीन में वो किसी दूसरी वजह से भी हो सकता है। अब ये तो है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के जो सिम्टम्स होते हैं बच्चों में, DMD के जो सिम्टम्स होते हैं बच्चों में, उसको हम किस तरह से पहचाने। अब इसके बाद अगर इस तरह की प्रॉब्लम देखी जाती है तो उसके बाद होता है कि अगर बच्चे को DMD ड्यूशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, उसके सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, तो किस तरह से हम बच्चे को ठीक कर सकते हैं, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, उसकी रिकवरी कर सकते हैं। अगर बच्चे को आप ऐसे ही छोड़ देंगे, किसी तरह की कोई मेडिसिन नहीं देंगे, या मल्टी विटामिन्स देंगे या स्टीरोइड देंगे, तो उसकी कंडीशन और ख़राब होती जाएगी, उसके अंदर कोई भी इम्प्रूवमेंट होने के चांस बिल्कुल भी आपको नहीं लगेंगे। तो इसके लिए क्या है कि अगर आप चाहते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को ठीक करना, अपने बच्चे को नॉर्मल कंडीशन की तरफ लाना, उसकी जो मसल्स हैं उसको रिकवर करना, और जो मसल्स हैं उनको रिवाइव करना, और जो बच्चे को जो वीकनेस बढ़ रही है दिन ब दिन उसको रोकना और उसकी कंडीशन में इम्प्रूवमेंट करना, तो आप इसके लिए जो सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा तरीका होता है वो होती हैं होम्योपैथिक मेडिसिन्स। मसल्स को हेल्थी करने के लिए जो सबसे अच्छी चीज़ और मेडिसिन है, जो सबसे अच्छी हम रखते हैं, वो होती हैं होम्योपैथिक मेडिसिन्स। और होम्योपैथिक मेडिसिन्स ऐसी बहुत सी बहुत अच्छी मेडिसिन्स हैं जो बच्चे को या उसके अंदर जो मसल्स की वीकनेस है उसको स्ट्रेंथ देने में हेल्प करती हैं। बच्चे के अंदर जो जो सिम्टम दिखाई देते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के, उन सिम्टम्स को जो है हम कम कर सकते हैं, उन कंडीशन को हम कम कर सकते हैं, बच्चे को रिकवर कर सकते हैं और उसकी कंडीशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। और आप देखेंगे इन मेडिसिन्स को अगर आप लगातार अपने बच्चे को देंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से बच्चा रिकवर करेगा, उसमें इम्प्रूवमेंट होगा और नॉर्मल कंडीशन की तरफ आपका बच्चा जो है आएगा।